आज की डेट में शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है। मैं एनएससी बीएससी का मेंबर भी रहा हुआ हूँ और स्टिल अभी मैं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर भी हूँ। मेरे फादर साहब ने अपनी शुरुआत काम की उसी दौर से की थी, लेकिन उन्हें वो काम शुरू से पसंद नहीं था। तो हमारे फूफा जी जो लुधियाना में हमारे पहले आए थे, उन्होंने हमारे फादर साहब को लुधियाना बुलाया। पहली इम्पोर्टेड मशीन हमने 1986 के अंदर इम्पोर्ट की। उसके बाद हमने 10-12 मशीनें लगातार इम्पोर्ट की और लुधियाना शहर में कपड़े में एक अपना अलग मुकाम बनाया। और आज की डेट में हम विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, रिलायंस, हाँ जी रिलायंस के साथ हमारा टाई अप हो गया। फर्स्ट ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया नागुरिया। और अब हमारी जो थर्ड जनरेशन है, मेरे ब्रदर का बेटा काम में आ चुका है, अब उसने ऑक्टेव को भी अपने साथ में जोड़ लिया। एचएनटी के दर्शकों को सुखबीर सिंह हुड्डा का प्यार भरा नमस्कार। आज फिर जैसे हमारा वादा रहता है कि हर सप्ताह आपको किसी न किसी ऐसी शख्सियत से मिला जाए जिन्होंने अपने फील्ड के अंदर एक महारत हासिल की हो, मुकाम हासिल किया हो। आज इसी कड़ी के अंदर हम रूबरू होते हैं मनोज तोड़ी साहब से, जो ओरिजिनली पीछे से राजस्थान से हैं, बट जिन्होंने अपना होम टाउन और जिसका वर्क प्लेस और कर्मस्थली लुधियाना बन गई है और पिछले मोर देन 50 ईयर से ये इस लाइन के अंदर हैं। आइए इनसे समझते हैं कि ये इस लाइन के अंदर इनका फ्यूचर कैसा है, आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा है और नीटिंग या हौजरी और ये बहुत सारे लागों की समझ में गारमेंट्स, इनके आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसकी जो समझ होती है वो आज मनोज जी से इसके बारे में लेते हैं। मनोज जी के विचारों के बारे में, इसके बारे में अपडेट करेंगे मनोज जी। मनोज जी एचएनटी के चैनल के अंदर आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी सबसे पहले ये बताइए आपका इस लाइन में आना कैसे हुआ, ये फर्स्ट पीढ़ी है सेकंड पीढ़ी इस आपकी बिजनेस की लाइन के अंदर आए हैं? बेसिकली हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हमारा जो नेटिव बिजनेस रहा है वो सट्टे फाटके का रहा हुआ है। सट्टे फाटके, हाँ, जो आज की डेट में शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है। मैं एनएससी बीएससी का मेंबर भी रहा हुआ हूँ और स्टिल अभी मैं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर भी हूँ। मेरे फादर साहब ने अपनी शुरुआत काम की उसी दौर से की थी, लेकिन उन्हें वो काम शुरू से पसंद नहीं था। तो हमारे फूफा जी जो लुधियाना में हमारे पहले आए थे, उन्होंने हमारे फादर साहब को लुधियाना बुलाया और हमने यार्न ट्रेडिंग से काम स्टार्ट किया और हमें जेके की एजेंसी मिली। उस टाइम जेके की एजेंसी मिलना अपने आप में बहुत बड़ा काम था और हम लोगों ने नायलोन बेचा और हमारे पिताजी ने बहुत ईमानदारी से नायलोन का काम किया। उस टाइम हमारे क्लाइंट्स में आज जो जवाहर ओसवाल मोंटी कार्लो वो भी हमारे क्लाइंट हुआ करते थे और हमारे पिताजी ने कभी भी उसमें ब्लैक मनी करके धागा नहीं बेचा, नहीं तो रिलायंस का धागा सब ब्लैक मनी में बिका करता था। धागे की एजेंसी के बाद हम लोगों ने निटिंग की मशीनें लगाई। उस टाइम उन मशीनों को 12 बिली बोलते थे, वो मैनुअल मशीनें थी। उनमें निक्कर का और टी शर्ट का कपड़ा बना करता था एक ही धागे से रंग बिरंगा, जिसे चौकड़ी के डिजाइन जिसको आज के जमाने में बोला करते हैं। और आप समझिए 1986 तक हम इंडियन मशीन में ही माल बनाते रहे। हमें उस टाइम फिर जरूरत महसूस हुई टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन की, दुनिया के कदम से कदम मिलाने के लिए। तब हमने पहली बारी बाहर से मशीनें इंपोर्ट करनी शुरू करी, इंपोर्टेड मशीनें। पहली इंपोर्टेड मशीन हमने 1986 के अंदर इंपोर्ट की। उसके बाद हमने 10-12 मशीनें लगातार इंपोर्ट की और लुधियाना शहर में कपड़े में एक अपना अलग मुकाम बनाया, बिल्कुल अलग मुकाम बनाया। क्वालिटी अलग से मेंटेन करती है आप लोगों ने? बिल्कुल अलग से मेंटेन, डिजाइनिंग वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। उस दौर में एक चांदनी पिक्चर आई थी जिसमें ऋषि कपूर ने स्ट्राइप्स वाली एक टी शर्ट पहनी थी, वो हमने सबसे पहले लुधियाना में बनाई, उसे चांदनी पट्टे के नाम से बेचा गया। आपका इसी नाम से बहुत जाना जाता है, चांदनी पट्टे वाले, ये थोड़ी फैमिली चांदनी पट्टे वाले थे, आप बड़े फेमस हो गए उससे। उसके बाद जब पंजाब में उग्रवाद का दौर आया तो फिर हमने एक अपना सेल ऑफिस दिल्ली में खोला, गांधीनगर में। उस वक्त मेरी उम्र 19 वर्ष थी, तो मेरे पिताजी ने मेरे पे पूरा विश्वास करके मेरे को वहां पे इंडिपेंडेंट ऑफिस खोल के दिया, पूरा सौंप दिया मेरे हाथों में, सिर्फ 19 वर्ष की। और मैंने भी उन्हें निराश नहीं किया,
काम को हमने अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सर आप धुरंधर आदमी, आप निराश तो कर ही नहीं सकते। आज लुधियाना में इतना बड़ा नाम है आपका, इंडस्ट्री में पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम है। उसके बाद 93 में हमने दोबारा घर वापसी की, क्योंकि पिताजी चाहते थे दोनों भाई एक ही जगह रहे, और पंजाब के हालात भी उस वक्त तक बिल्कुल सुधर चुके थे। व्यापार के अलावा पिताजी ने हमेशा परिवार को भी बहुत अहमियत दी कि भाइयों को इकट्ठे रहना चाहिए। इसी सोच के कारण दिल्ली छोड़ के वापस हम लोग लुधियाना आ गए। लुधियाना आने के बाद फिर हमने एक नया दौर शुरू किया लेडीज आइटम्स का, कपड़े में। उस तरह के आइटम्स लुधियाना में कोई नहीं बनाता था। आप हमेशा यूनिक आइटम्स की तरफ आपका फोकस रहा। हाँ, थोड़ा सा मार्केट को अलग से पेश करके अलग से चीजें दी जाए, जो जो कहीं पे अवेलेबल है वो हम दे। और 2.5 साल हमने उस लाइन के अंदर, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे लुधियाना हो, पूरा मोनोपोली से हमने उस लाइन के अंदर खूब जम के काम किया और बहुत अच्छा मार्जिन बनाया। और उसी दौरान ही हमने अपनी नई फैक्ट्री बनाई। फिर सन 2000 में ऐसा लगा नहीं, हमारी जो ब्रांडिंग है नहीं हो पा रही, हमारे ब्रांड की ब्रांडिंग। ये तकलीफ हमेशा मन में रहती थी कि गारमेंट बनने के बाद कपड़े का कहीं पे नामो निशान नहीं रहता है, भाई ये किस आदमी का प्रोडक्ट है, किसके बात और किस हिसाब से जा रहा है, किस हिसाब से जा रहा है। तो हमने अपना गारमेंट करने शुरू करने का मन बनाया। सबसे पहले हमने अपना ब्रांड रखा अबाकर। हाँ, उस ब्रांड के साथ हमने अपनी टी शर्ट लॉन्च की, और 2002 से लेके 2007-08 तक हमने वो आइटम सिक्के से बेची, बिल्कुल सिक्केमंद तरीके से बेची। एक बात मैं प्रॉपर क्वालिटी में, प्रॉपर क्वालिटी प्रॉपर इन, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, 1997 से 2002 तक हमारे व्यापार का एक बुरा दौर आया। वो सीख हमारे लिए भी है और सब सुनने वालों के लिए भी सीख है। वो जो जमाना था दोबारा से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का था। हम उस टाइम किसी भी कारणवश निर्णय नहीं ले पाए मशीनरी को अपग्रेडेशन करने के लिए। तो हम उस रेस से 1997 से लेके सन 2002 तक की जो रेस थी, हम उस रेस में बहुत ज्यादा पिछड़ गए। इसीलिए हमने गारमेंट की लाइन चूज की, ताकि हमारी उसमें ब्रांडिंग भी हो, नाम भी बने और दो पैसे की कमाई भी अच्छी। तो तोड़ी फैमिली ने अपना जो ब्रांड का जो सिलसिला है लॉन्च करने का, परमानेंट जो अपना ब्रांड की पहचान बनानी, तो तोड़ी फैमिली ने कब स्टार्ट किया ये? सर हमने अपना जो टी शर्ट का ब्रांड था, इसका जो सपना बुना गया वो सन 2000 में बुना गया, और इसको एग्जीक्यूट शुरू किया हमने सन 2002 में, और हमने 5 दर्जियों से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की। ब्रदर मेरे गारमेंट का काम देखते हैं, देखते थे उस वक्त, और मैं उस वक्त अपना कपड़े का काम देखता था एके प्रिंसेस के अंदर। धीरे धीरे गारमेंट में हमारा हाथ बैठता गया, हम कपड़े की लाइन को छोड़ते गए, और सन 2007-08 हफ्ते तक हम 100% गारमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वहां पे हमें अरे मन चाहे रिजल्ट्स मिल रहे थे। इन बिटवीन 2005 में फिर एक हमारी लाइफ के अंदर माइलस्टोन आया कि हमने वूलन को ऐड किया, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी वूलन भी कर सकते हैं, और उसकी हमें नॉलेज भी नहीं थी। वूलन की लाइन बिल्कुल डिफरेंट होती है इससे, इसको नीटिंग बोलते हैं, टी शर्ट्स को नीटिंग बोलते हैं, इसको स्वेटर्स वगैरह को वूलन बोलते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट लाइन है, दोनों का बनाने का तरीका, धागा, सब चीज बिल्कुल अलग अलग तरीके से की जाती है। सन 2005 में हमने पहले सर्दियों में टोटल 5000 कुछ पीस बनाए, और उसमें से हम सिर्फ 3800 पीस बेच पाए, लेकिन लगातार उसके अंदर हमने R&D की, इम्प्रूवमेंट की, क्लाइंट बेस बढ़ाया, कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान दिया, डिजाइनिंग पे ध्यान दिया। अब मैं सिर्फ 2 क्लाइंट्स को वोली आइटम 1.5 लाख पीस साल का बेच रहा हूँ, और मोनोपोली से बेच रहा हूँ, और मन मर्जी के रेट पे और मन मर्जी की शर्तों पे वोला काम आज की डेट में हम कर रहे हैं। ये तो थी जैसे अपने ब्रांड से दे रहे हैं या अगले जो आपके कस्टमर होते हैं उनके ब्रांड के नेम से दे रहे हैं?
सन 2010 में ऐसा लगा कि जो गलती हम पीछे करके आए हैं कि मार्केट की ताल से ताल नहीं बैठा पाए या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं कर पाए। सन 2000 में ग्लोबलाइजेशन का दौर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और हमारी गारमेंट लाइन में कॉरपोरेट सेक्टर की बहुत बड़ी एंट्री होगी। सन 2010 में अपने फैक्ट्री को धीरे धीरे कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरा जो कॉरपोरेट क्लाइंट था वो विशाल मेगा मार्ट वाले थे, तो हमने इनके साथ कॉरपोरेट के अंदर एंट्री की और आज की डेट में हम विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, रिलायंस, हाँ जी रिलायंस के साथ हमारा टाई अप हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। नागुरिया काफी कवरेज थी आपकी, काफी कवरेज थी, मीडिया ने बहुत कवरेज दी थी आपकी और इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा आपका चर्चा हुई थी कि थोड़ी फैमिली फाइनली रिलायंस के साथ जुड़ गया है, रिलायंस का एक हिस्सा बन गया है। हाँ जी, और अब हमारी जो थर्ड जनरेशन है, मेरे ब्रदर का बेटा काम में आ चुका है, अब उसने ऑक्टेव को भी अपने साथ में जोड़ा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा ब्रांड है ऑक्टेव, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, क्वालिटी कॉन्शियस है, गुड पे मास्टर है, दिमाग में उनके सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ही रहती है। अच्छे लोगों से जुड़ने से फैक्ट्री का सेटअप भी बड़ा होता है और काम करने के लिए दिमाग भी खुलता है। टेक्नोलॉजी के साथ भी अडॉप्ट करना पड़ता है, नए नए चेंजिंग करने पड़ते हैं। मनोज जी जरा हमारे दर्शकों को भी समझाएं, नेटिंग और वीविंग में और ये आपकी ट्रेड के अंदर कितने सारे वर्ड यूज होते हैं, नेटिंग होते हैं, वुलन होता है, वीविंग होती है, क्या मतलब लुधियाना इज फेमस फॉर व्हाट? लुधियाना इज फेमस फॉर राइट फ्रॉम द स्पिनिंग टू गारमेंटिंग। स्पिनिंग के अंदर हम अगर बात करें तो पुराने प्लेयरों के अलावा एक नए प्लेयर की इमर्जिंग स्थिति हुई है, शर्मन जी यांस प्राइवेट लिमिटेड, मेरे परम मित्र जिनकी 2013 में मृत्यु हो गई थी, उनके हाथ का लगाया यूनिट है शर्मन जी यांस प्राइवेट लिमिटेड। आज वो लुधियाना का एक नंबर यूनिट है धागा बनाने में, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। इस पार्ट को हम स्पिनिंग बोलते हैं, इसमें कॉटन भी बनती है, पॉलिस्टर कॉटन भी बनता है और प्योर पॉलिस्टर भी बनता है। ये तो हो जाता है फर्स्ट फेज जहां से हमारी गारमेंट की लाइन के लिए रॉ मटेरियल है। उसके बाद आ जाता है धागा लेने के बाद निटिंग का प्रोसेस, निटिंग जिसको हम कपड़ा बुनने को बोलते हैं। निटिंग के अंदर भी टाइप ऑफ मशीनरी होती है, हमारी जो मशीनरी यूज होती है उसको बोला जाता है सर्कुलर निटिंग मशीन। सर्कुलर निटिंग मशीन का मतलब है जो गोल मशीनें घूमती हैं उसको सर्कुलर निटिंग मशीन बोला जाता है। फिर इसके अंदर तीन चार तरह के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सिंगल जर्सी, डबल जर्सी, जैकार्ड्स और स्ट्राइपर्स। अलग अलग तरह के वीव बनते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। उसके बाद फिर इसका आ जाता है डाइंग एंड फिनिशिंग का प्रोसेस। डाइंग एंड फिनिशिंग के अंदर ग्रे कपड़े से या तो उसको डाइंग कराया जाता है, अगर डाइड यान से बना हुआ है तो उसको वॉशिंग एंड फिनिशिंग कराया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कटिंग से लेके सिलाई तक का, सिलाई से लेके पैकिंग तक का। हमारे गारमेंट की लाइन में तकरीबन 43 स्टेप्स हैं कपड़े से लेके डिस्पैच करने तक। रिजेक्शन का हमें 30 स्टेज पर खतरा रहता है, 30 स्टेज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्टिचिंग के लेवल पे, स्टिचिंग के लेवल पे हर जगह आपका चेक पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका माल स्टिचिंग लेवल पे अच्छा बन के आ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे कस्टमर के पास गुड क्वालिटी एक रीजनेबल रेट में पहुंचाने में आसानी रहती है। हमारे जो फैक्ट्री का आज तक मोटिव रहा है गुड क्वालिटी इन एवरेज प्राइस फॉर दी मिडल सेगमेंट। ऊपर का सेगमेंट का माल भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन जिस देश में हम रह रहे हैं भारतवर्ष के अंदर, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग मिडल क्लास को बिलोंग करते हैं और मेरा जो क्लाइंट बेस है, जो मेरी अपीयरेंस है, तकरीबन हिंदुस्तान के 1600 शोरूम पे है। बहुत बधाई, बधाई की बात है मनोज सोडी साहब, आपकी बहुत बधाई की पात्र है कि इतने कम समय में आपने 1600 स्टोर के ऊपर रीच है। अच्छा मनोज साहब एक जरा बताएं कि जैसे कोविड के अंदर है हर इंडस्ट्री को मार पड़ी है, तो कोविड में आपकी इंडस्ट्री का सर्वाइवल कैसा रहा, कैसे आपने वर्कफोर्स को रिटेन किया, कैसे आपने ऑर्डर्स को रिगेन किया, कैसे कैसे आपने फैक्ट्रीज को चालू किया, क्लाइंटेज को कैसे मेंटेन किया, जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डाले प्लीज। वो
दौर एक बुरे सपने की तरह था, खास करके हमारी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं फैशन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। जैसे पहले कहा जाता था रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन जरूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन कोविड के अंदर एक रोटी को छोड़ के बाकी सब चीजों की अहमियत कोविड ने बता दिया कि किसी भी चीज की अहमियत नहीं है। कम कपड़ों में छोटे घर में भी बड़े सुविधाजनक तरीके से रहा जा सकता है। तो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री ने बहुत बहुत ज्यादा सरवाइव किया, इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। और उस वक्त मान लीजिए जिसका जो भी टारगेट रहा, मेरे हिसाब से कम वो 30-40% लॉस के अंदर गया होगा, ह्यूज लॉस। लेकिन फिर भी लुधियाना वासी बधाई के पात्र हैं, खास करके मैं बहादुर के रोड एसोसिएशन की बात करूंगा, क्योंकि वहां पे तकरीबन 300 से ज्यादा फैक्ट्री हैं। सब लोगों ने अपने जो वर्कर्स थे इनकी रोजी रोटी का पूरा ध्यान रखा, आउट ऑफ द वे जाके राशन के रूप में, कैश के रूप में, कपड़े लत्ते के रूप में हद से ज्यादा मदद करने की कोशिश की। मनोज जी, मेरा एक आपसे सवाल है, जो जब आज हमने आप सोशल मीडिया पे और अपने सर एक उस पे डाला कि आज मनोज तो ऋषभ जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग है, आज उनके साथ इंटरव्यू होना है, तो कुछ सवाल आए कि आपकी लाइन के अंदर जो बच्चे इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग करके आ रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? वो उसको उनको इंडस्ट्री को आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से देखती है और उनका भविष्य क्या है इस लाइन में? हमारे पिताजी कहते थे एक लाइन, बोलने से कुछ होता नहीं, करने से होता है। आज की जो जनरेशन है वो पढ़ के आ रही है, अगर उनको अपने फादर्स की, फोर फादर्स की और सिटिंग फादर्स की गाइडेंस मिले तो वो इस इंडस्ट्री में चार चांद लगा सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स मेरे पास हैं, हमारे दोस्त हैं जैकेट की फैक्ट्री में, उनके बच्चे आने के बाद, किसकी बात कर रहे हैं? लियोर वाले हैं, हाँ, अरुण जी हैं हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। उनकी जो मैं ग्रोथ देखता हूँ बच्चों के आने के बाद, बिल्कुल अलग तरह की है। एक बच्चा उनका फैशन डिजाइनिंग करके आया है, एक जैसे शर्मन जी इंडस्ट्रीज का मैंने पहले भी नाम लिया, उनके बच्चे फैमिली बिजनेस में MBA करके आए हैं। इनके आने के बाद उनकी जो कैपेसिटी है और जो मैनेजमेंट की कैपेसिटी है मल्टीपल फोल्ड में बढ़ी है। बड़ों का एक्सपीरियंस और पढ़े लिखे बच्चों की टैलेंट अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि एक हम ऊंचे लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे एक पंजाब सरकार का छोटा सा हर्डल है, जो भी बच्चे बाहर से पढ़ लिख के आते हैं, लुधियाना के अंदर ऐसा कोई भी एक या दो कॉरपोरेट सेक्टर को छोड़ दो नहीं है जहां बच्चों को एक्सपोजर मिल सके। जो भी बच्चा हाईली क्वालिफाइड होके आता है उसकी ये कोशिश होती है कि मैं लुधियाना में सेटल नहीं हूं, क्योंकि उसे वहां पे वो वाला वर्क कल्चर नहीं मिल पाता है। वो दिल्ली, बॉम्बे, कैलकटा, नोएडा, बेंगलोर भागने की चेष्टा में रहता है। हमारे स्टिल वहां पे लाला कल्चर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप मान लीजिए एक वर्धमान और एक दो कोई मिल और होगी जो कॉरपोरेट कल्चर अवेलेबल करा रही है और जो सैलरीज दे रही है बच्चों को, क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ के आता है उसे एक तो हैंडसम सैलरी चाहिए, एक वो एटमॉस्फेयर चाहिए कॉरपोरेट वाला, और वो एम्बियंस चाहिए, वो ऑफिस वर्क प्लेस चाहिए जहाँ पे बच्चे अपने आप को कम्फर्ट जोन में महसूस कर सके। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार ज्यादा दोषी है। हमारा लुधियाना शहर आपको भी मालूम होगा पंजाब का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। लेकिन अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आपकी सड़कों का हाल देख लीजिए, कोई एक बार चला जाता तो दोबारा जाना पसंद नहीं करता है, लुधियाना का वो हाल है। ऐसे वहां पे ऑफ रोड जर्नी का मजा लिया जा सकता है, अगर मैं मजाक में बात करूं तो। अच्छा मनोज जी, जैसे आपकी इंडस्ट्री ने बहुत जोर लगाया था, मुझे जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो पूछता हूँ, तो आपके एयरपोर्ट का क्या हुआ? क्योंकि अगर पंजाब का कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो बिजनेस हब है वो लुधियाना है, और आपके बठिंडा से फ्लाइट चल पड़ी है जो बठिंडा लुधियाना का पीनेट है, लुधियाना को क्यों नहीं एविएशन की, क्यों नहीं फ्लाइट की फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है? ऐसा है जी, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि पिछले कई सालों से लुधियाना का जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है
वो नहीं रही है, और लुधियाना ने कभी भी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, ना इंडस्ट्री ने, ना पॉलिटिकली, ना रिलीजियसली। क्योंकि मनीष तिवारी जी तो कदावर आपके नेता रहे हैं आपके वहां से। मनीष तिवारी जी के समय पे काफी सुगबुगाहट हुई थी इस काम की, लेकिन वो किन कारणों से सिरे नहीं चढ़ सकी। अभी कुछ आशा की किरण फिर से जागी है, हलवारा वाली साइड में एक्विजिशन हो चुकी है लैंड की, और मेरे को लगता है कि आने वाले साल में 2023 तक, भगवान से दुआ करते हैं, एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, उससे लुधियाना का भविष्य में काफी सुधार होने की गुंजाइश है। अच्छा मनोज जी, जैसे आपके मेजर आपके क्लाइंट्स हैं, जैसे रिलायंस है, वी मार्ट है, जैसे विशाल मेगा मार्ट है, और भी आप बड़े बड़े जो स्टोर जा रहे हैं, तो इनके लिए आपकी क्या डीलिंग होती है? क्वांटिटी के साथ होता है या प्राइसिंग के साथ होता है, वॉल्यूम के साथ होता है, किस तरह की आजकल बिजनेस ट्रांजेक्शन की क्या मतलब जो बिहेवियर चल रहा है इनके साथ, वो किस तरीके से आप डील कर पा रहे हैं? गुड प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी एंड एवरेज प्राइस, आम आदमी की पहुंच के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई का दौर चल रहा है, तकरीबन हर लाइन के रॉ मटेरियल में 40-60% की तेजी है। जो माल बनाने के लिए हमें पहले 10 लाख रुपए अगर चाहिए थे, तो अब उस माल के लिए हमें तकरीबन 16 लाख रुपए चाहिए, उतना ही क्वांटम बनाने के लिए। बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। और कागजों के अंदर सरकारी नीतियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली के अंदर हम उसके अंदर वर्किंग करने जाते हैं, तो अफसरशाही अभी भी स्टिल बहुत ज्यादा है। ये नहीं कहूंगा कि उतनी है, पहले से सुधार है, लेकिन अभी इसमें सुधार की बहुत 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 ज्यादा गुंजाइश है। मनोज जी, जैसे कई बार आपकी जब भी मेरी मुलाकात हुई तो मैं पूछता था, मनोज जी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप बोलते थे कि स्किल्ड लेबर फोर्स की आपके पास बड़ी शिकायत रहती थी, इस बारे में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाई है? नहीं सर, इसके बारे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई। हमें अपने लेवल पे ही लेबर को स्किल करना पड़ता है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे लुधियाना के अंदर जो लेबर को स्किल्ड कर सके, और अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो सिर्फ कागजों में है, और कागजों में ही बच्चे वहाँ पे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 10 साल पहले, मेरे को अभी शहर का नाम तो याद नहीं, मैंने 14 लड़कियों को ग्रेजुएशन के बाद अपनी फैक्ट्री के अंदर स्किल्ड करके भेजा था। आज उसमें से 3 लड़कियां प्रिंसिपल के जॉब पे कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रही हैं, मैनेजमेंट के अंदर। उनको 14 लड़कियों में से 3 मेरे ख्याल मोर देन 50,000 पे स्केल के ऊपर वो काम कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। मनोज जी, जैसे जो आपका प्रोडक्ट है वो किस रेंज से किस रेंज में, आम आदमी की पहुंच में है या हाई एंड के लिए बना रहे हैं आप, या बड़े बड़े शोरूम्स के लिए जैसे लांटे माल है या शॉपर स्टॉप है उस लेवल तक जा रहे हैं, या एक मिडिल क्लास का की कैटेगरी के लोग भी आपके इसको पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे जो प्रोडक्ट की MRP है वो 99 से स्टार्ट हो जाती है, और अप टू 599 और 799 तक की जाती है MRP। जैसे आपने अलंटा का पर्टिकुलर नाम लिया, तो हम इस सेगमेंट को कैटर नहीं करते हैं, हम मिडिल और अपर मिडिल क्लास तक को कैटर करते हैं, क्योंकि परसेंटेज मोर देन 80-85% मिडिल और मिडिल क्लास ही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, अपर मिडिल क्लास भी बहुत कम है। इस कोविड के दौरान जो अपर मिडिल क्लास था, मेरे को लगता है वो भी खिसक के कहीं ना कहीं भी मिडिल क्लास के अंदर आ गया है। तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय है, यूथ का साथ है, बच्चे साथ हैं, तरक्की की ओर देख रहे हैं, आगे बढ़ना है, जोर शोर से बढ़ना है आगे। तो मनोज जी, जैसे जो थोड़ी फैमिली की जो अपनी फैक्ट्रीज है उसके अंदर किस चीज पे अभी हमने सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है, कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे जीन्स हो गया, टी शर्ट्स हो गया, या बच्चों का हो गया, फीमेल्स का हो गया, मतलब आप किस तरह का आपका जो आइटम्स है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम देता है, सबसे ज्यादा बिजनेस देता है? मेंस टी शर्ट्स एंड मेंस लोअर्स, उसके बाद इन्फेंट्स के पुलोवर्स, ये 3 आइटम्स पे हम ज्यादा स्पेसिफिक जोर देते हैं, और मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा आप समझिए टी शर्ट और लोअर का है, मोर देन 70% प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा योगदान हमारी सेल्स का है, इन्हीं 2 प्रोडक्ट का है। तो थोड़ी फैमिली का, मनोज जी मेरा आपसे ये विनती है कि थोड़ी फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है,
क्या थोड़ी फैमिली एक्सपोर्ट के अंदर जा रही है या ऑलरेडी जा चुकी है या आगे जाने का प्लान कर रही है? हम 2005 तक डायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर जुड़े हुए थे, लेकिन 2005 में कहीं ना कहीं कुछ एक एक्सपोर्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे खराब हुए हैं, उसके बाद हम इंटेंडिंग एजेंसीज के थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स हम नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कई ग्लोबल कारण भी और कहीं ना कहीं हमारे खुद के फैक्ट्री के फाइनेंशियल रीजंस भी हैं, क्योंकि हमने डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर कैप्चर करने की स्ट्रेटजी बनाई हुई है और उसमें हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो मनोज जी, एक मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसे कुछ बहुत सारे नए लोग इसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, क्या इस लाइन में किस तरह के लोग हैं? अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं, वो तो सारी जगह मिलते हैं, बट फिर भी पेमेंट्स के अंदर ऑर्डर्स के बारे में कोई चीट ना करे, उस तरह का किस तरह की मेजोरिटी ऑफ द लोग है कि क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? ये जो प्रश्न आपका बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। नहीं, पर आपको तो थोड़ी फैमिली के तो बिलीव करते हैं, थोड़ी फैमिली जब तक इसको ऊपर नहीं लाइट डालेगी तो फिर आगे जनरेशन को कैसे वो? व्यापार आज से नहीं, शुरू से विश्वास पे ही किया जा सकता है। दुनिया में कोई भी व्यापार है वो हमेशा ही विश्वास पे चलता रहता है। जहां तक पेमेंट्स का सवाल है, मान लो हम 10 लोगों से मिलते हैं, 10 में से एक आधा खराब मिलने की संभावना हर वक्त बनी रहती है। जब भी आपका पैसा डूबता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बेचने वाला होता है वो कहीं ना कहीं लालच में होता है, या बेचने वाला उसका होता ऐसे है, वो 100 वाली चीज 100 में बेचने की कोशिश नहीं करता, 107 में बेचने की कोशिश नहीं करता, जो ग्राहक 110 में ले जाने वाला होता है उसको बेचने की कोशिश करता। जब एक आदमी 100 का माल 110 में लेके जाएगा तो पक्की बात है